प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार युवाओं की रोष रैली ऐतिहासिक महिमा लाइब्रेरी नाहन से शुरू हुई, जो डीसी दफ्तर तक पहुंची। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध किया, इसे शिक्षा विरोधी बताया। वहीं बेरोजगार युवाओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी नौकरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं ने प्रदेश में भर्ती किए जा रहे वन मित्र की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो अध्यापक इस देश की नींव को बनाते हैं, उनके भविष्य के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार कैसे कर सकती है। यानी सीधी सीधी चीज जो उसमें लिखी गई है कि 250-250 रुपए के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा, जिसमें कि जैसे मनरेगा के लिए दिहाड़ी देते हैं ना, मनरेगा के 250-250 रुपए मिल जाते हैं, तो उसी में उन्होंने पॉलिसी में लिखा है कि 250-250 एक लेक्चर का 250 रुपए मिलेंगे, दो लेक्चर आप लगाते हैं तो 600 रुपए मिलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की पॉलिसियाँ लाते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो JIIT 818 का भी या फिर 556 का भी रिजल्ट जल्द घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा अभी हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार अपने गारंटियों पे कोई खरी उतर रही है या फिर कोई ऐसा जो सत्ता या फिर जनता के पक्ष में कोई निर्णय, अगर हम देखते हैं कि सरकार का कोई भी रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, इनका एक ही मुद्दा है कि अगर आपने ये पॉलिसी वापस नहीं लेनी है तो और भी आगे कदम उठाएंगे बच्चे, क्योंकि आधे तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के ना उनका एज जो फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो बैकडोर भर्तियां कराई जा रही है या ये जो निकाला है उन्होंने, ये चीज़ हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। फिलहाल तो नाहन में सैकड़ों युवाओं ने रोष रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही सरकार को चेता दिया है कि समय रहते उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। अब देखना होगा प्रदेश सरकार इसका क्या रास्ता निकालेगी। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।